जहां पर पूरे मुल्क के साथ साथ में कश्मीर में भी यहां पर रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, जगह जगह ऐसे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहां पर किए जा रहे हैं। उसमें हमने पिछली बार भी आपको हजरतबल से पूरी तरह से लाइव दिखाया था, लाल चौक से, रामबाग से, और आज यहां पर सोमो स्टैंड लाल चौक में हम है। और हमारे साथ में अभी जुड़ी है फराना असगर जी, जो यहां पर ARTO है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू, शुक्रिया। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ अवेयरनेस आज के दिन के लिए आप दे रहे हैं यहां पर? आज के दिन हमने सुमो स्टैंड को इसलिए चूज किया क्योंकि जो हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं उन लोगों में अवेयरनेस जनरेशन की जरूरत थी, और रोड सेफ्टी मंथ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम यहां से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचें, उनको अवेयर करें, जो हमारे सीट बेल्ट्स नहीं पहनते हैं या स्पीड लिमिट में नहीं रहते हैं या जो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, उससे हमारा ही नुकसान है, जो ड्राइवर है उसका नुकसान है, उसकी गाड़ी का नुकसान है। तो हम कोशिश करके सीट बेल्ट पहनेंगे और स्पीड लिमिट बरकरार रखेंगे, अपनी गाड़ियों की फिटनेस रखेंगे। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया अवेयरनेस, जिसमें इंटरैक्टिव प्रोग्राम हो गया, जिसमें ड्राइवर भाई लोग आगे भी आए, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, जिनको हमने ऑन द स्पॉट सॉल्व भी किया। इनको बताया गया कि कैसे आप आ जाइए अपनी गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए विद इन 24 आवर्स, इनको अब अपना रिजल्ट भी मिल जाता है। तो हमने इनको बताया कि एट द कम्फर्ट ऑफ योर ओन होम आप ये जो है फिटनेस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बड़ा ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, और हम एक हेल्थ चेकअप भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए यहीं पे सुमो स्टैंड पे ही, जहाँ पे इनका आई चेकअप भी हो जाएगा, BP, शुगर और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो डिटेक्ट होनी रह जाती हैं क्योंकि इनकी बिजी लाइफस्टाइल है। ये लोग सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को लेट आते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं होता इनको, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनका हेल्थ चेकअप हम अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करें। अभी ये नया एक ऑर्डर या सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि विद इन 24 आवर्स द विक्टिम हैज गॉट द कंपनसेशन मनी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो क्या प्रोसीजर है आपका? जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इनका बहुत बढ़िया स्टेप है ये कि 1 लाख रुपए का फंड जो है एक्सीडेंट विक्टिम की फैमिली को मिलेगा, जिसकी डेथ हो गई है किसी रोड एक्सीडेंट में, चाहे वो गाड़ी चला रहा था या वो पासर बाय था या किसी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएटली उसकी अगर FIR करा दी जाए और लीगल हायर सर्टिफिकेट मिल जाए, इमीडिएटली आप अप्रोच कर सकते हैं अपने ARTO को, RTO को, ताकि आपको रिलीफ मिल जाए विद इन 24 आवर्स। 1 लाख रुपया उसकी फैमिली को रिलीफ मिल जाता है, जो कि एक कह सकते हैं कंपनसेशन भी रहता है और उसकी फैमिली को थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती है उन दिनों के लिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीवियंसेस ड्राइवर हजरात की है, उसमें नए जो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको वो दी नहीं जा रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो उनको टेस्ट पास करना है, ऐसा नहीं है कि जो भी अप्लाई करेगा उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। एक प्रॉपर रेजीम है जिसको उसको पास करना है, पास करने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की बात कर रहे हैं आप? ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की वो हो गया, पहले थोड़ा बैकलॉग था, वो जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं उन्होंने पेपर अरेंज करवा लिया है, वो अब हर RTO दफ्तर में है, ARTO दफ्तर में है, तो आप पेपर की किल्लत नहीं रहेगी। लेकिन यह है कि पहले बैकलॉग खत्म किया जाएगा और फिर नए लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी अवेयरनेस मंथ चल ही रहा है, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ है, उसमें क्या क्या अवेयरनेस आज तक लोगों को आपने दी? क्योंकि कहीं एक जगहों से हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं और नाज़रीन भी देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों की ग्रीवेंस ये रहती है कि ओवर क्राउडिंग ज़्यादा रहती है गाड़ियों में, उसके लिए कोई इकदाम, और दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक मैस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वो क्या इकदाम ले रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ में? देखिए, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है ये। आप ट्रैफिक पुलिस का भी बोल रहे हैं, जी ट्रैफिक पुलिस के साथ भी हम शाना बशाना चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हमने बहुत सारी जगहों लोकेशंस पे हमने ट्रैफिक को भी मदद कर दी है, कई जगहों पे हमने अवेयरनेस जनरेट किए, जहाँ पे हमें लगता था कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज थे, उधर भी बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमने इंटरेक्शन की है। हम खुद यहाँ से गए हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ अवेयरनेस जनरेशन हुई है। हेलमेट लगाने पे हमने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है, सीट बेल्ट लगाने पे एम्फसाइज किया है। देखिए, ये एक पब्लिक पार्टनरशिप की बात है, जो सेफ्टी है जब तक पब्लिक पार्टनरशिप नहीं करेगी, वो कोऑपरेट नहीं करेगी,
होगी तब तक एक्सीडेंट्स जो हैं वो नहीं रुक पाएंगे। तो मेरा ये कहना है लोग ड्राइवर भाइयों से भी और आम पब्लिक पॉपुलेशन से भी कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपनी सिक्योरिटी पहले आप रखिए सामने और फिर उसी से दूसरों की भी सिक्योरिटी होगी। मैम आखिरी सवाल है क्योंकि यहाँ पर कानों में मेरी बात एक पड़ गई, जो ड्राइवर हजरत आपस में बात कर रहे थे कि माइनस टेम्परेचर में भी इनको यूनिफॉर्म के लिए कहा जाता है लगाने के लिए, जबकि माइनस टेम्परेचर में कुछ तो रिलैक्सेशन इनके लिए होनी चाहिए, उस पर क्या क्या इकदाम आप उठाने जा रहे हैं? माइनस टेम्परेचर का जो है ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म पहने, जैकेट भी पहन ले, ऐसा कोई नहीं है कि यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो ड्राइवर की आइडेंटिटी है। ऐसे तो कोई भी उठ के ड्राइवर चला लेगा, कोई भी गाड़ी चला लेगा, तो एक कमर्शियल ड्राइवर जो है उसकी आइडेंटिटी है, उसको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, उसके ऊपर जैकेट पहन सकता है, कोई इशू नहीं है, उसको कैप पहनी है वो कैप पहन सकता है, वो कोई इशू नहीं है। तो इतना कोई हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो जैकेट नहीं पहन सकेगा, वो तो गलत बात है, जैकेट तो पहननी है, सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है, तो ही कैन वेयर हिज विंटर क्लोथ। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से फरहाना असगर जो ARTO है उन्होंने कहीं एक बातों का भी यहाँ पर खुलासा किया, उसमें इन्होंने कहीं एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पर पिछले कहीं दिनों से यहाँ पर चला रहे हैं, उसमें ड्राइवर हजरात को भी पूरी तरह से यहाँ पर अवेयर किया जाता है कि रोड सेफ्टी मेजर्स कैसे ले। रुसलाई जानवानी, JK न्यूज़ श्रीनगर।